कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी गुरुवार 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने मोहनखेड़ा में जैन तीर्थ के दर्शन किए और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार आपको कमजोर कर रही है। मध्य प्रदेश में 250 से ज्यादा घोटाले हुए हैं। पिछले 18 सालों में मध्य प्रदेश में सिर्फ घोटाले और भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि व्यापम के घोटाले में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, क्या किसी ने इसकी जांच कराई? इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने ईडी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने सवाल किया कि ईडी का छापा मध्य प्रदेश में क्यों नहीं पड़ता। यहाँ व्यापम का घोटाला हुआ, 50 से अधिक लोगों की मौत हुई, इन्होंने जांच कराई? ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। अरे यहाँ तक कि फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी कल परसों ईडी पहुंच गई। यहाँ पे क्यों नहीं पहुंची? यहाँ जो इतने बड़े घोटाले हुए हैं, इनके अधिकारियों के घर में क्यों नहीं पहुंची? इनके नेताओं के घर में क्यों नहीं पहुंची? तो ये सवाल आपको पूछने हैं। जब मां नर्मदा के साथ घोटाला हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, जब महाकाल की मूर्तियों के साथ सप्त ऋषियों की जो मूर्तियां हैं उन्हें स्थापित एक दिन किया, अगले दिन बह गई, इनके साथ जब भ्रष्टाचार हो सकता है, जब भगवान के साथ कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करता है, तो क्या समय नहीं आ गया है इनको बदल डालने का? बताइए। आपको बता दें कि उन्होंने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश का नौजवान आंधी है, आपके साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है। हमने ऐसे नौजवान भी देखे हैं जिन्होंने 10 साल गुजार दिए लेकिन घोटाले की वजह से नौकरी नहीं मिली। प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि सरकार के पास पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है और अडानी के हजारों करोड़ रुपए माफ करने के लिए पैसे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि शिशुपाल के अत्याचारों का घड़ा भर गया है, अब कृष्ण रूपी बन जाओ और कृष्ण भगवान की तरह इनको निकाल दो। 1.5 साल में पिछले चुनाव में आपने कौन सी सरकार चुनी थी कांग्रेस? फिर क्या हुआ? रिश्वतखोरी हुई और जो आपका आदेश था उसका पालन नहीं हुआ। आप कांग्रेस की सरकार चाहते थे लेकिन जोड़ तोड़ कर आपको भाजपा की सरकार मिली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 27 लाख किसानों के कर्ज माफ किए, 1 करोड़ परिवारों को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी। उन्होंने कहा कि मैं 1.5 साल की बात कर रही हूँ, 18 साल की नहीं। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़कर 27% किया, आर्थिक रूप से कमजोर जनरल वर्ग को 10% आरक्षण दिया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।